आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग चलते चलते भारत के पड़ोसी देश नेपाल पर आ गए हैं और नेपाल के गांव वाले इलाके में हम लोग घूम रहे हैं और चलते चलते हम लोगों को यहां पे लहलाती हुई गेहूं की फसलें और जो गर्मा सीजन के धान होता है वो दिखा। और ख़ास बात तो ये है कि यहां पे बिजली के माध्यम से जो है वाटर पंप का इस्तेमाल होता है। यहाँ के किसानों से बातचीत करेंगे कि ये सुविधा इन लोगों को कब से मुहैया कराया गया है, क्योंकि भारत की अगर बात करें और भारत के बिहार राज्य की अगर बात करें तो सरकार सिंचाई के नाम पे बड़े बड़े दावे कर रहे हैं लेकिन ये दावे फेल नज़र आता है। लेकिन एक छोटा सा देश नेपाल, जहाँ पे किसानों के लिए बेहतरी से बेहतरी करने के लिए और किसानों की बेहतर उन्नत के लिए जो है सरकार बिजली के माध्यम से हो या फिर आप हमारे पीछे अगर कैमरे की नज़र से देखें तो दूर में आपको सोलर का भी ये दिख रहा होगा, सिस्टम दिख रहा होगा जहाँ से सोलर लाइट के माध्यम से, सोलर ऊर्जा के माध्यम से जो है किसान यहाँ पे जो है सिंचाई करते हैं। और सिंचाई में लोगों का व्यवस्था काफ़ी मजबूत है और यहाँ पे गेहूं की फसलें आप देख सकते हैं, गेहूं की फसलें काफ़ी ज़बरदस्त, यानी कि अगर फसलों की बात करें तो यूपी जैसे फसलें उपजाऊ होती है। और ख़ास बात यह है कि नेपाल की मिट्टी काफ़ी उपज मानी जाती है और यहाँ पे सोने जैसी फसलें उपज करने में किसान बड़ी तादाद में जो है साकार होते हैं। क्या नाम है आपका? अच्छा बताइए, ये जो आप लोगों का बिजली के माध्यम से जो आप लोगों का सिंचाई होता है ये कब से मिल रहा है आप लोगों को? ये दो साल से सिंचाई हो रहा है। दो साल से हो रहा है। तो ये आप लोगों का प्राइवेट है कि सरकारी माध्यम? ये सरकारी है। कैसा क्या रेट लगता है इसका? जो है लगभग बिल कम आता है। बिल कम आता है, बिल कम है। जैसे अगर मान ले ऐसा देख लो कि अगर हम आप भी यूज करते हैं, अभी जो है ये हो जाएगा पानी में 2000 रुपये, यानी कि गेहूं के फसल का सीजन आप लोग का निपट जाएगा। उसके बाद आप लोग गर्मा धान की भी खेती करते हैं? हाँ, गर्मा धान का भी खेती करते तो हैं। उस सीजन में कैसा क्या रहता है आप लोग का? वो भी है जो 2000 में वो से भी काम निकल जाता है, यानी कम लागत में आप लोगों का पटवन का जो काम है आराम से हो जाता है, आराम से हो जाता है। और इसके अलावा आप लोगों को किसानों को खास करके नेपाल में क्या कुछ सरकार की तरफ से मदद मिलता है? सरकार की तरफ से हमको तो कुछ नहीं मिलता है, लेकिन सिंचाई के लिए खेती करो और खाओ, यानी किसानों के लिए जो है आप लोगों को सिंचाई का व्यवस्था दिया हुआ है। सिंचाई का व्यवस्था और बीज उज की अगर बात करें? बीज भी देता है और खाद उद की अगर बात करें, क्योंकि ज़्यादातर देखा जाता है कि आप लोगों का जो उर्वरक होता है, जो खाद होता है, इंडिया से बहुत आता है। इंडिया से बहुत आता है, लेकिन बाकी नेपाल से भी आता है। अभी नेपाल? हाँ, नेपाल से भी आता है। अच्छा, नेपाल से अगर खाद देने लगा? अभी डीपी देने लगा है। अच्छा, और बिजली व्यवस्था की बात करें तो कैसा बिजली व्यवस्था का सिस्टम है? मतलब बिजली तो हम यहाँ 24 घंटा बिजली 24 घंटा। अच्छा, कभी भी नहीं जाता है। हाँ, तो इसके अलावा तो ये जो सड़कें हैं, पहले हम लोग नहीं देख रहे थे, थोड़ा सा सद्दाम भाई सड़कें भी दिखाएंगे। और खास बात अभी ये है कि सड़क के मामले में भी नेपाल जो है अब धीरे धीरे तरक्की करने लगा है। हाँ, है ना। सड़क में अभी कहीं भी अभी कीचड़ उचर नहीं है, सब गिट्टी है कहीं किसी जगह। अच्छा, यानी भी है। अच्छा, पिचिंग भी हो गया? हाँ, पिचिंग भी हो गया। तो यहाँ से अगर ये भी हो जाएगा। हाँ, ये कचन कलर का रास्ता ये है, अच्छा, सड़क है। अच्छा, ये तो अभी कुछ दिन में तो अभी क्या बनेगा, यानी फोर लाइन टाइप का बन जाएगा। फोर लाइन बन जाएगा। तो अगर बात करें आप लोग खेती किसानी की, तो धान वगैरह आप लोग कहाँ बेचते हैं और क्या रेट मिलता है आप लोगों को? धान जो है हम यही घर में बेच देते हैं, नेपाल में। नेपाल में बेच देते। क्या रेट मिलता है यहाँ हमको? मिलता है इंडिया का बोले या नेपाल का बोलेंगे? अगर इंडिया की बात करें तो इंडिया का कितना? इंडिया का जो है 1600-1500 रुपये क्विंटल मिल जाता है। अच्छा, हाँ, घर बैठे। और नेपाल की अगर बात करें? नेपाल का बात करें तो 1500-2500 का 15 होता है। अच्छा, तो देखिए खास बात यह है कि इंडिया यानी कि बिहार की अगर बात करें तो जो आपके फुटकर जो व्यापार है, जो धान खरीदारी करते हैं चौक चौराहे, वो 1200-1300 के भाव में करता है, लेकिन वही धान अगर आप यहाँ पे बेचते हैं तो 1600 के आसपास का रेट मिलता है। तो ये भी बहुत बड़ी बात है। और गेहूँ की अगर बात करें? गेहूँ भी अब रेट खुलता है ना। हाँ, अब ऐसा भी होता है। सरकारी रेट भी खुलता है आप लोग का? नहीं, सरकारी रेट तो यहाँ नहीं खुलता है, यानी कि जो प्राइवेट व्यापार होता है वही लोग लेते हैं, प्राइवेट वाला खुलता है। अच्छा, तो गेहूँ की अगर बात करें, फसल खूब देखते हैं कि लहलाता है जबरदस्त एकदम, वो भी जो है वैसे 1500 रुपया क्विंटल। और एकड़ में कितना गेहूँ हो जाता है? या तो हमारा नेपाल का जमीन और दूसरा एक बीघा हम नेपाल का, एक बीघा इंडिया का 3 बीघा होता है। अच्छा, नेपाल का एक बीघा में आप लोग का ये अगर गेहूं करते हैं तो कितना निकल जाता है, क्या क्विंटल? भारत का जो है 3 बीघा होता है। अच्छा, भारत का 3 बीघा हो गया, ऐसा समझ लो कि 60-70 मन के हिसाब आता है। और 60-70 मन धान जो है बीघा में हमारा 100 आ जाता है। 100 मन? हाँ, 100 मन एक बीघा में। हाँ, एक बीघा में 100-90 आ जाता है, यानी यहाँ की जमीन जो है काफ़ी उन्नत किस्म के है। यहाँ का जमीन तो उन्नति है। उसके अलावा कौन और खेती करते हैं? वही 3 फसलें करते हैं, कौन कुछ नहीं करता है। मकई लगा था, मकई का भाव नहीं है, वो मकई छोड़ दिया। गम, अच्छा, अच्छा। गम शुरू कर दिया है। अच्छा, गर्मा शुरू कर दिया है। अच्छा, किसान को फसाएगा तो फिर क्या करेंगे मकई लगा? अब गम और गर्मा का सीजन। तो चुनाव वगैरह के बारे में जानते हैं कुछ? अगर जो मान के चलते हैं कि भारत में आपका चुनाव होता है, पड़ोसी देश है,
तो वहाँ के चुनाव के माहौल को जानते हैं? हाँ, तो मालूम क्यों नहीं होगा। अच्छा, बॉर्डर साइड है, हम लोग बॉर्डर में है, तो क्यों नहीं होगा। और यहाँ पे अगर शिक्षा व्यवस्था की बात करें तो क्या सीन है आप लोगों का, पढ़ाई लिखाई का, बच्चों की पढ़ाई लिखाई की क्या क्या कुछ ये है? पढ़ा होते बहुत एक नंबर में है। अच्छा, अरे पढ़ने निकले आप, जाता है बच्चा सब? हाँ, जाता है। बगल अगल बगल में स्कूल वगैरह है? हाँ, है स्कूल, भेजते हैं बच्चा सब? जाता है ना। सरकार की तरफ से क्या कुछ मदद मिलती है स्कूल वगैरह? सरकार की तरफ से फ्री कपड़े। अच्छा, कपड़ा है? कपड़ा भी मिल जाता है, उसके अलावा किताब भी मिल जाता है। अच्छा, हम उसके साल में दो बार जो है लड़की को पैसा मिल जाता है। अच्छा, कपड़े उपड़े, यानी कि ये हमारे देश नेपाल के में तो आप सरकार जो है तो अपना पैसा वाला नहीं है ना। लेकिन फिर भी आप लोगों को ये सब चीज़ें मुहैया करा रही है, तो ये बहुत बड़ी बात है। तो देखिए, खास बात ये है कि जो चीज़ें या फिर जो पोशाक राशि या फिर छात्रवृत्ति राशि हमारे स्कूलों के बच्चों को मिलता है, उसी तर्ज पर यहाँ पर नेपाल सरकार भी बच्चों के शिक्षा के लिए, बच्चों के पढ़ाई पठन पाठन को बढ़ावा देने के लिए सरकार मदद कर रही है। यानी कहीं ना कहीं अगर बात करें तो जिस तरह से ये लोग सिंचाई व्यवस्था में अव्वल है, जिस तरह से ये लोग खेती करने और यहाँ की ज़मीन की अगर उन्नति की बात करें उसमें अव्वल है, तो उस हिसाब से अगर देखा जाए तो नेपाल भी आने वाला कुछ दिन में ऐसा नहीं हो कि वो भी तरक्की के रास्ते पर नहीं होगा। तो खबर सीमांचल से आप हमें देख रहे थे, ये नेपाल के कौन गांव है? ये तो कचन कबल चार, कचन कबल इलाके से आप हमें देख रहे थे। और हमारे पीछे ये आप शानदार सा नज़ारा देख सकते हैं, पूरा ग्रीन जोन है या फिर ग्रीन डायमंड की खेती कह लीजिए इसको एक तरह से, क्योंकि ये जो फसलें हैं ये काफ़ी बड़ी तादाद में इस इलाके में होती है और साल में जो है ये दो फसलें काफ़ी इस इलाके के लिए मायने रखता है। तो खबर सीमांचल के लिए हमारे साथ ही सद्दाम हुसैन कैमरे के पीछे और मैं आपके साथ इमरान रजा, धन्यवाद।